किया मोटर्स ने भाई अपनी एमपीवी किया कारेंस को 2022 के फरवरी मंथ में इंडिया में लॉन्च किया था और तभी से लेके आज तक इस गाड़ी के अट्रैक्टिव लुक्स और बढ़िया फीचर्स के कारण किया कारेंस की अभी तक काफी सेल हुई है। पर कारेंस में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आई है जिसके कारण किया वालों को कारेंस की अब तक जितने भी यूनिट सेल हुई है उन सभी को रिकॉल करना पड़ रहा है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करिएगा। किया मोटर्स ने एक वॉलंटरी रिकॉल कैंपेन अनाउंस किया है अपने कारेंस एमपीवी के लिए, जिसमें वो कारेंस के एयरबैग कंट्रोल करने वाले सॉफ्टवेयर में जो इश्यूज आए हैं वो सारे इश्यूज वो इस कैंपेन में रिजॉल्व करने वाले हैं। किया मोटर्स के अकॉर्डिंग कारेंस के 44,000 यूनिट्स में ये प्रॉब्लम आई है जो कि इस कैंपेन में रिजॉल्व की जाने वाली है। तो इसका क्लियरली ये मतलब होता है कि अब तक जितनी भी कारेंस सेल आउट हुई है उन सभी में ये प्रॉब्लम आई है। तो जिन लोगों के पास भी किया की कारेंस है तो उन लोगों ने अपने डीलरशिप से कॉन्टेक्ट करके अपनी एक अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है इस इशू को रिजोल्व करने के लिए। और इस प्रॉब्लम से रिलेटेड सारे ही रिजोल्यूशन, यानी कि आपको कंपनी को कैसे कॉन्टेक्ट करना है, कैसे अपॉइंटमेंट लेनी है, कौन से डेट पे आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स हुई है, ये सब कुछ डिटेल्स आपको किया मोटर्स के ऑफिशियल वेबसाइट या फिर उनके स्मार्टफोन एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। तो अगर आपके पास भी किया की कारेंस है तो आप किया मोटर्स को कॉन्टेक्ट करके अपना इश्यू रिजोल्व कर सकते हो। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी किया कारेंस के रिकॉल रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।